हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक में कहा लॉकडाउन खोलने पर राज्य बनाए रणनीति। जी हां दोस्तों, देश में फैल रही महामारी के हालात पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन खोलने पर राज्यों से रणनीति बनाने को कहा। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में चार मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की भी बात कही। प्रधानमंत्री ने राज्यों को सलाह दी कि अपने प्रशासन और नीतियों में सुधार लाकर वे वर्तमान चुनौतियों को अवसर में बदलने की संभावनाएं तलाशें। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सजग और सचेत रहने को कहा है। रेड जोन ऑरेंज जोन में भी अभी सख्ती बरती जाएगी और लॉकडाउन का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की अपील। जी हां दोस्तों, कम से कम छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सोमवार को इस महामारी के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाने का विचार रखा है। ऐसा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में वर्तमान की परिस्थितियों को लेकर यह बात कही। जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लॉकडाउन को कम से कम 21 मई तक के लिए बढ़ा देना चाहिए। पांच अन्य मुख्यमंत्रियों आंध्र प्रदेश के जगमोहन रेड्डी, गोवा के प्रमोद सावंत, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, मिजोरम के जोराम थांगा और मेघालय के कोनराड संगमा ने भी बिना कोई निश्चित तारीख दिए लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की सिफारिश की। तो दोस्तों 3 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन को केंद्र सरकार के द्वारा क्या आगे बढ़ा देना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगले सप्ताह से इस महामारी से मुक्त जिलों में खत्म हो सकता है लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के चरणबद्ध तरीके से खुलने की तैयारी तो होने लगी है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो अभी आधे से ज्यादा देश संभवतः प्रतिबंध में ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा में जहां अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही, वहीं प्रधानमंत्री ने इस महामारी के साथ जंग की तैयारी दुरुस्त रखते हुए अर्थव्यवस्था का पहिया चलाने का संकेत भी दिया और राज्यों से अपने यहाँ इसका फॉर्मूला तैयार करने को भी कहा। उन्होंने परोक्ष रूप से चीन से भाग रही कंपनियों का हवाला देते हुए कहा कि संकट के इस काल को अवसर में बदला जा सकता है, इसकी तैयारी की जानी चाहिए। हालांकि इसके बावजूद ये मानकर चलना चाहिए कि सब कुछ ठीक रहा तो भी आधा देश ही खुल पाएगा। दरअसल ये छूट केवल उन्हीं जिलों में मिलेगी जो कोरोना से मुक्त है, यानी कि जिन जिलों में कोई भी कोरोना का केस नहीं है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार का सख्त फैसला, चीन वापस भेजी जाएंगी खराब किट। जी हां दोस्तों, सरकार ने इस महामारी के संक्रमण की जांच के लिए चीन से आई खराब रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट को लेकर बड़ा फैसला किया है। क्वालिटी में घटिया पाई गई ये किट चीनी कंपनियों को वापस लौटाई जाएगी और पेमेंट भी नहीं दिया जाएगा। ICMR ने इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। ICMR ने कहा है कि कई राज्यों ने इन किट की क्वालिटी को लेकर शिकायत की थी, इसके बाद इनकी पड़ताल की गई। ये पाया गया कि किट से जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस हो रहे हैं, लिहाजा इन किट के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। अब चीन से आई इन तमाम किट को कंपनियों को वापस भेजने का सरकार ने फैसला कर लिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। काम पर लौटे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा नहीं पता कब खत्म होगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, इस महामारी से संक्रमण की चपेट में आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सोमवार से फिर काम पर लौट आए हैं। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद पहली बार देश को संबोधित कर रहे बोरिस ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी यह नहीं बताया जा सकता है कि लॉकडाउन किस तारीख को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को नहीं पता है कि ये कितने दिनों तक और जारी रखना होगा, हम किसी भी तरह का खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर।
ई पास के जरिए बाहर फंसे लोगों की घर वापसी कराएगी शिवराज सरकार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने बाहर राज्यों में फंसे लोगों के लिए बड़ी राहत दी है। अब ऑनलाइन आवेदन करके लोग अपने प्रदेश में लौट सकते हैं। इसके लिए सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर आसानी से आवेदन किया जा सकता है। आदेश में यह भी कहा गया है कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन जिलों को छोड़कर यह सुविधा बाकी सभी जिलों में दी जाएगी। ई पास के जरिए लोग वापस आ सकते हैं। सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया है। इच्छुक लोग अपना आवेदन ऑनलाइन दे सकते हैं। इस आवेदन के आधार पर ही उन जिलों के कलेक्टर पास जारी करेंगे जहां इच्छुक व्यक्ति जाना चाहता है। इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। मसलन आवागमन उन क्षेत्रों में नहीं किया जाएगा जहां इस महामारी के संक्रमण को लेकर कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। तो दोस्तों, शिवराज सरकार की इस पहल के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। छोटे व्यवसायियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की बैंक गारंटी दे सकती है सरकार। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार छोटे व्यापारियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के बैंक ऋण की गारंटी देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू किया जा सके। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने इस बातचीत के बाद संकेत दिए हैं कि इस महामारी के हॉटस्पॉट वाले राज्यों में लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं वायरस के खतरे के बीच अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि बैठक में मुख्यमंत्रियों से राज्यों के आकलन और इनपुट आने के बाद राजकोषीय पैकेज की घोषणा की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका, डीए पर रोक के बाद अब सरकार इस अलाउंस में भी कर सकती है कटौती। जी हां दोस्तों, पिछले गुरुवार को ही केंद्र सरकार ने करीब 48 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फ्रीज किया था। सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ा है। अब इसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी कटौती कर सकती है। इस समय लगभग हर कर्मचारी इसी की चिंता कर रहा है और वह हर जगह, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या सोशल मीडिया, इन्हीं सब बातों पर चर्चा कर रहा है। एनजीबीटी में छपी एक खबर के मुताबिक वित्त मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी का कहना है कि अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन वहीं अन्य अधिकारी का कहना है कि यदि ऐसा होता है तो सरकार को एक महीने में इसी से करीब 3500 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन के बीच SBI की इस योजना से 5 लाख किसानों को मिली लाखों रुपए की मदद। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन में किसानों की मदद के लिए देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक किसानों के लिए एग्री गोल्ड लोन स्कीम चला रहा है। इसके तहत लॉकडाउन के बीच 5 लाख किसानों ने इसका फायदा उठाया है। अगर आप भी इस स्कीम के तहत लोन लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस योजना के तहत कोई भी किसान अपनी कृषि भूमि की फर्द की प्रतिलिपि के साथ बैंक में सोने के जेवर देकर अपनी जरूरत के मुताबिक लोन ले सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन खुलने के बावजूद मई में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हां दोस्तों, इस संक्रमण के संकट के चलते देश में 4 मई तक का लॉकडाउन लगाया हुआ है। ये लॉकडाउन 4 मई को खत्म होगा या आगे बढ़ेगा, ये सवाल सबके मन में चल रहा है। अगर इसके बाद लॉकडाउन खुलता है तो लोग बैंक तो जरूर जाएंगे। अगर आप भी मई में बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल RBI की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार मई में पूरे 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें ईद, बुद्ध पूर्णिमा, मजदूर दिवस जैसे अवकाश भी शामिल हैं। इन 13 छुट्टियों में अलग अलग राज्यों में होने वाली छुट्टियां भी शामिल है। इस दौरान खाताधारकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इन तारीखों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है जिससे आप समय से पहले ही अपना पूरा काम कर सकें। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं मौसम समाचार का। मौसम विभाग ने इन राज्यों में जारी की भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, बीते 24 घंटों में कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हुई है।
मौसम का ताजा अनुमान कहता है कि खतरा अभी टला नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक अभी भी देश के कई राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके बाद पूर्वोत्तर में भारी बारिश की आशंका है। जानिए अगले 3 से 4 दिनों तक देश का मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दामों का। तो दोस्तों देश में जारी लॉकडाउन के कारण पेट्रोल और डीजल की खपत में काफी कमी आई है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने काफी दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं की है और वह अपने पूर्ववर्ती दामों पर स्थिर बने हुए हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 69.59 रुपए है, जबकि 1 लीटर डीजल का दाम 62.29 रुपए है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन के बीच 4 दिन बाद आज सस्ता हुआ सोना। जानिए क्या है 10 ग्राम सोने के भाव। जी हां दोस्तों, लगातार 4 दिनों के बाद सोमवार को सोने के भाव में गिरावट आई है। इसके पहले सत्र में गोल्ड के भाव में करीब 1300 रुपए प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ था। मई के वायदा बाजार में चांदी की कीमतों में भी तेजी रही है। सोमवार को चांदी का भाव 0.66% गिरावट के साथ 42,330 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया। आपको बता दें कि हाल ही में सोने का भाव 47,327 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। MCX पर जून वायदा कारोबार में गोल्ड का भाव 0.22% लुढ़ककर 46,425 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 21 मई तक भारत में खत्म हो जाएगा इस महामारी का प्रकोप, सिंगापुर की यूनिवर्सिटी ने किया दावा। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में इस महामारी ने हाहाकार मचा रखा है और भारत में भी इससे संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। देश में इस महामारी से संक्रमितों की संख्या 27,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि 826 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि लॉकडाउन 2.0 को खत्म होने में अभी कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये महामारी आखिरकार कब खत्म होगी। इस सवाल का जवाब दिया है सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी ने। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में यह महामारी 21 मई तक खत्म हो जाएगी। SUTD रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत में स्थिति बेहतर रही है, ये बात WHO ने भी मानी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन के बीच आपके घर तेजी से पहुंचेगा सामान, अमेजन ने रेलवे से मिलाया हाथ। जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन इंडिया ने सोमवार को कहा है कि उसने भारतीय रेलवे के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत किया है और देशव्यापी लॉकडाउन के बीच ग्राहकों तक तेजी से सामान पहुंचाने के लिए अपने परिचालन को 55 मार्गों तक बढ़ा दिया है। पिछले साल अमेजन इंडिया ने 13 मार्गों पर शहरों के बीच ई कॉमर्स सामानों के परिवहन के लिए भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी की थी और कोलकाता तथा मुंबई में ग्राहकों के लिए सामान लेने के केंद्र भी बनाए थे। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि अमेजन इंडिया देश भर में रेल के माध्यम से सामान पहुंचाएगी और भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई स्पेशल पार्सल ट्रेन के 55 मार्गों का इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बजट 5G स्मार्टफोन के तौर पर Xiaomi ने लॉन्च किया Mi 10 यूथ एडिशन। जी हाँ दोस्तों, टेक कंपनी Xiaomi ने चीन में अपने नए Mi 10 यूथ एडिशन स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने अफोर्डेबल 5G फोन के तौर पर लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत 22,500 रुपए होगी। इसमें WhatsApp, Android नॉच और पंच होल डिजाइन दिया गया है। खास बात यह है कि फोन स्नैपड्रैगन 565G प्रोसेसर से लैस है। इसमें गेमिंग के लिए डुअल मोड सस्पेंशन, लिक्विड कूलिंग और फोटोग्राफी के लिए 4 रियर कैमरे दिए गए हैं, जिसमें 50x डिजिटल जूम तक का सपोर्ट मिलेगा। फोन में 4160 mAh बैटरी है जो 22.5W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।